सो हे गाइस, दिस इज साइबर ऋषि बैक हियर विद द न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम अपने लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर पेन ड्राइव और हम कह सकते हैं रिमूवेबल मीडिया या स्टोरेज को कैसे डिसेबल कर सकते हैं और या फिर हम बोल सकते हैं ब्लॉक कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी जो कि ये थी हैकिंग एंड्रॉयड डिवाइस लाइव, जिसके अंदर मैंने बताया था कि एक एंड्रॉयड डिवाइस को कैसे हैक किया जाता है। सो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अब आ जाते हैं हम लोग अपनी इस वाली वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपना पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में इंसर्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये आ गया, एक बूटेबल पेन ड्राइव मैंने इसको बनाया हुआ है और ये यहाँ पे आराम से शो कर रहा है। बट अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ब्लॉक करूँगा और डिसेबल करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग कमांड लगाएंगे रन में gpedit.msc, जिसका मतलब होता है ग्रुप पॉलिसी एडिट, और हम आ जाएंगे यहाँ पे। सो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमको सब कुछ सही दिखे। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस और यूज़र कॉन्फ़िगरेशंस। तो हमें यूज़र के अंदर तो कुछ नहीं करना, हमें करना है एडमिनिस्ट्रेटर में, और हम यहाँ पे जाएंगे सिस्टम्स में। अब यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस हैं, सो हमें आर दबाना पड़ेगा और हम जाएंगे रिमूव एबल स्टोरेज एक्सेस पे और डबल क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ गए, देख सकते हैं सीडी के लिए है, फ्लॉपी के लिए है, ये रिमूवेबल डिस्क के लिए है, और यहाँ पे भी ये स्टोरेज वगैरह के लिए है। सो हमें जाना पड़ेगा इस वाले पे जो डिसेबल कर रखा है। सो डिफ़ॉल्ट में क्या रहता है, ये सारे के सारे नॉट कन्फिगर्ड रहेंगे डिफ़ॉल्ट में। और अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, मतलब अगर आप अनेबल डिसेबल करेंगे तो उसके बाद वो मैसेज देगा। सो मैंने डिसेबल किया हुआ है, मैंने अभी पेन ड्राइव को डिसेबल नहीं करा, मैंने इस सर्विस को डिसेबल करा हुआ है। अगर मैं इसको अनेबल करूँगा तब जाके पेन ड्राइव की सर्विस डिसेबल होगी। सो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला है। सो अभी मैंने यहाँ पे इसको डिसेबल्ड किया हुआ है, मतलब पेन ड्राइव अगर मैं अभी लगाऊंगा तो वो शो करेगा। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अनेबल कर देता हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ़ यू अनेबल दिस पॉलिसी सेटिंग नो एक्सेस इज अलाउड टू एनी रिमूवेबल स्टोरेज क्लास। सो अभी हम इसको यहाँ पे अनेबल करके ओके कर देते हैं, और उसके बाद इसको थोड़ा मिनिमाइज करके हमें एक और कमांड चलानी पड़ेगी अपने रन में ही, जिसका नाम है जीपी अपडेट, मतलब ग्रुप पॉलिसी अपडेट, और ये हमें चलानी पड़ेगी। सो इससे ग्रुप पॉलिसी हमारी अपडेट हो जाएगी और काम करने लगेगी। यह इसने बता दिया हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। सो मैं अब दोबारा जाता हूँ और एक बार इसको यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं ये मैंने जब क्लिक करा तो बता रहा है एक्सेस इज़ डिनाइड। एक बार मैं दोबारा से इसको रिमूव करके वापस से इंसर्ट जब करूँगा तो फिर से वो सेम मैसेज बताएगा। आप कुछ भी लगाओ, चाहे आप अपना पेन ड्राइव लगाओ या फिर हार्ड डिस्क लगाओ एक्सटर्नल, सब अभी काम नहीं करेगा। तो वापस देख लेते हैं कि इसको अनेबल कैसे करना है। तो हम वापस सेम जगह जाएंगे और उसके बाद डबल क्लिक करके इसको डिसेबल या फिर नॉट कॉन्फ़िगर्ड कर दीजिए। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप डिसेबल ही कर दीजिए, और यहाँ पे कर देंगे इसको ओके। सो ओके करने के बाद हम सेम कमांड चलाएंगे जीपी अपडेट। सो ऐसा कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार जीपी अपडेट चलाएं, कभी कभी बिना जीपी अपडेट चलाए भी काम कर जाती है, बट स्टिल एक बार अगर हम चला देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो जीपी अपडेट ना चलाए बिना काम नहीं करती। तो एक बार हम कर देते हैं इसको, और अपडेटिंग पॉलिसी एक बार कर देगा, करने में कुछ जाता नहीं हमारा, 5-10 सेकंड का काम है, और ये हो चुका। अब दोबारा वापस जाते हैं और विदाउट रिफ्रेश करें आप देख सकते हैं ये मेरा पेन ड्राइव ओके रिपोर्ट। सो अभी हमने देखा कि कैसे हमने अपने पेन ड्राइव को पूरा डिसेबल कर दिया। बट अगर आप ये नहीं करना चाहते तो और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे ये वाला है। सो इसके अंदर अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये है डिनाई राइट एक्सेस, मतलब हम इसके अंदर राइट की परमिशन हमें नहीं होगी, मतलब हम कुछ निकाल नहीं सकते पेन ड्राइव से, कुछ डाल नहीं सकते, रीड कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है। फिर एक और आ जाता है हमारे पास जो है कि रीड एक्सेस, मतलब रीड भी नहीं करने देगा, और उसके ऊपर एग्जीक्यूट एक्सेस। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, हम लोग एक एक करके ट्राई कर सकते हैं और अपनी नीड के हिसाब से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो यही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको हैकिंग के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस चैनल को ज़रूर देखें। मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं हैकिंग के ऊपर, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। सो यार सब्सक्राइब करो, देखो, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा या फिर कोई भी डाउट है कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो इंस्टाग्राम पर आके पूछ सकते हो, डीएम कर दो डायरेक्ट। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म।